येस वी आर लाइव नाव हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैं ची एंड वेलकम टू लेट्स लर्न तो डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर सी टेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन अभी दो हज़ार इक्कीस का जो एग्ज़ाम है सी टेट का इस बार पहली बार ऑनलाइन है और एग्जाम में आपके ये मान के चलते हैं दो महीने का टाइम है दो ढाई महीना ऑलमोस्ट कह सकते हैं अभी ढाई महीने महीने के आसपास आपके पास टाइम है है ना तो अगर हम बात करें तो बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं कई लोग सेल्फ स्टडी करते हैं कई लोग बैचेस लेते हैं कई लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं कई लोग अलग अलग नोट्स से पढ़ते हैं इधर उधर से मांग के या जैसे भी तो बात करेंगे अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हैं या एटलीस्ट दो किताबें आपको लेनी चाहिए दो भी नहीं तो एटलीस्ट वन है ना मेरे पास बुक्स तो आज मैंने बहुत सारी निकाल के रखी हैं क्योंकि होती हैं बहुत सारी ऐसे कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो इसको नहीं कहेंगे बट ये मेरी अपनी पर्सनल बुक्स हैं मतलब जो सी की चलती रहती हैं कभी कोई पब्लिकेशन ने भेज दी मतलब ये मेरे नाम की किताबें हैं ऐसा नहीं है कि किसी प्रमोशन के नाम की किताबें हैं ठीक अगर हम बात करें तो बात करेंगे कुछ कुछ बुक्स को लेके सारे ही सब्जेक्ट्स पे पेपर वन पेपर टू दोनों पे ही बात कर लेंगे और मिनिमम एक किताब आपके पास होनी चाहिए और अगर नहीं भी है तो आप बिना किताब लिए भी सी टेट क्रैक कर सकते हैं उस पर आएंगे बाद में पहले बात कर लेते हैं या अभी भी हम बात कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है आज की डेट में आप किताब खरीदें आप सिंपल सी की वेबसाइट पर जाके पिछले चार साल के पेपर डाउनलोड करके आंसर की डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं या फिर अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी क्या कहूँ सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं लैपटॉप पे तो बेस्ट है क्योंकि अभी आपको एग्जाम भी ऑनलाइन ही देना है तो वो भी आप कर सकते हो अदरवाइज आप बुक्स भी पढ़ सकते हो ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए ऑनलाइन पेपर देना आसान होता है बट जब आपने दिमाग में भरना जब आपको पढ़ना है तो वो आप प्रॉपर किताबों से पढ़ें या जिस भी सेंस में पढ़ रहे हैं नोट्स बना के पढ़ें ताकि दिमाग में सेट हो जाए पेपर जब आप ऑनलाइन बेशक देंगे लेकिन आपको तुरंत याद आ जाएगा ठीक तो ये एक बात है स्टार्ट करते हैं समझते हैं तो आप सीटेड की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन पढ़ के या नोट्स लेकर के जैसे भी है वो आप तैयारी कर सकते हैं वैसे नोट्स खुद के बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा क्लियर है बात तीसरी बात होती है किताब की क्योंकि हमने बचपन से किताबों से पढ़ा है तो किताबों पे बात कर लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की आज व्हाट्सएप डाउन है बताने कैसे इस चक्कर में आपका सेशन भी लेट हुआ है क्योंकि सारी फाइल्स वगैरह आजकल व्हाट्सएप पे ही शेयर होती हैं तो मैं ये कुछ चीजें होती हैं जो टेक्निकल चीजें होती हैं इसमें वो शेयर करती हूँ और फिर अलग अलग सिस्टम में वो एक्सेस करनी होती हैं लेकिन व्हाट्सअप बिल्कुल भी नहीं चला तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ये मेरे साथ भी इशू है मैं भी पिछले दस पंद्रह मिनट से परेशान हूँ फिर मैंने मेल वेल करके ये जो PPT है और भी चीज़ें जो है जुगाड़ की हैं खैर होगा कोई ग्लिच हो जाएगा ठीक ठीक बेस्ट बुक्स फॉर सी टेट सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे आज से आप ये कह सकते हैं ऑफिशियल प्रेपरेशन शुरू हो गई है सी की जो अपना नया सी है ये वा, वाला दिसंबर 2021 वाला जो जनवरी तक चलेगा तो आज से हम शुरू कर देंगे कल से पढ़ाई शुरू आज से एक कि बुक्स से अगर आप चूज कर रहे हैं तो क्या चूज करें सिलेबस वगैरह मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ एक बार वो वीडियोज देख लीजिएगा अगर अभी तक ना देखी हो फॉर्म ना फिल किया हो तो फॉर्म भी फिल कीजिएगा प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है ना प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें इससे भी पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो है सिलेबस सी की वेबसाइट से अपने टेलीग्राम चैनल से मैंने शेयर किया हुआ है सी का सिलेबस एक बार डाउनलोड करके उसको पढ़िए ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें आती क्या हैं कैसे आती हैं ठीक मैंने भी डिस्कस किया हुआ है सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स प्लस पी की अगर हम बात करें तो एक प्रैक्टिस पेपर आपको लेना चाहिए अलग से प्रैक्टिस पेपर की जरूरत नहीं है पुराने ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेंगे क्योंकि सी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं और अभी भी होंगे उसका रीजन है कि सिलेबस सेम है है ना तो पिछले पाँच साल के पेपर आप कर लीजिए ज्यादा नहीं जरूरी नहीं आप पूरे दस साल के करें दस साल के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो दस साल के करने की बजाय आप पाँच साल के जो लास्ट फाइव ईयर्स के पेपर हैं फाइव ईयर्स के जो पेपर हैं पिछले चार से पाँच साल के अगर आप एक पेपर दे रहे हैं तब भी आप दोनों पेपर सॉल्व कीजिए पेपर वन भी और पेपर टू भी क्योंकि तीन सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं ठीक तो इनको आप सॉल्व कीजिए जो प्रीवियस ईयर पांच साल के हैं पेपर वन के भी पेपर टू के भी बेशक आप एक ही एग्जाम दे रहे हो दोनों में से फिर भी दोनों के कीजिए क्योंकि तीन सब्जेक्ट का सिलेबस हिंदी इंग्लिश और सी सेम है तो ये आपके लिए प्रैक्टिस का, का काम करेंगे हो सकता है आपने एक पांच साल का जो आपका पेपर है मान लो पेपर वन देने जा रहे हो पांच साल के पेपर उसके सॉल्व कर लिए अब जो बाकी बचे हुए पांच साल के पेपर हैं पेपर टू के सॉल्व कर लो प्रैक्टिस के रूप में वो आपने प्रीवियस ईयर के रूप में कर लिया इनको प्रैक्टिस के रूप में कर लो तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि प्रैक्टिस सेट आप नहीं लोगे तो भी आराम से चलेगा मॉक टेस्ट जो सीटेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है उनको प्रैक्टिस के तौर पे अपनाइए और प्रीवियस ईयर को अलग से प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कई बार बना दिए जाते हैं और उनका कोई पॉइंट नहीं होता वो इवन सिलेबस बेस्ड भी नहीं होते तो जरूरी नहीं है कि आप एक प्रैक्टिस सेट लेंगे ठीक ये एक बेसिक सी बात है तो प्रीवियस ईयर ही आपका प्रैक्टिस सेट का काम कर जाएगा अगर आप फिर भी प्रीवियस ईयर के लिए किताब लेना चाहते हैं तो एक ये किरण पब्लिकेशन की है मेरी भी इनके अंडर एक बुक आती है अगर हम बात करें तो 2011 से 21 तक सॉल्ट पेपर्स हैं इसमें विद एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी अवेलेबल है अब तक शायद हो भी गई होगी मैं कोशिश करूंगी जितनी भी बुक्स के बारे में बात हो रही है लिंक में शेयर कर दूं जो कि मैं हमेशा भूलती हूं बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी शेयर कर दूं सारे लिंक्स अगर अमेजन या अमेज़न से ही अगर आपको लेना है तो इसके अलावा फ्लिपकार्ट के नहीं करूँगी अमेज़ॉन के कर दूँगी और नहीं तो आप आसपास जो भी बुक्स अवेलेबल हो मैं आपको मल्टीपल बुक्स बताती हुई चलूंगी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही किताब लेनी है अगर आपके पास मैं एक दो ऑप्शन हर चीज में रखूंगी अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उन दोनों में से कोई भी ले लीजिए ज्यादा अंतर नहीं होता किताब आप कोई भी लीजिए बट पढ़िए अच्छे से कम से कम दस किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब आप दस बार पढ़ लें तो ये किरण पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर है जिसमें 2011 से 21 तक आई थिंक कुछ 150-200 सौ का आता होगा इतना ही होगा इससे ज्यादा क्या ही होगा ठीक फर्स्ट टू फिफ्थ का भी है और ये सिक्स टू एट्थ का भी है इसके अलावा दूसरी चॉइस प्रीवियस ईयर के लिए रहेगी आर गुप्ता की है ना ये तो मैं कब से आपको डिस्कस करती हुई आ रही हूँ जब ये नहीं भी आता था किरण तब से भी तो आर गुप्ता भी आप ले सकते हैं बिल्कुल ये तो इवन मेरे पास भी रखे हुए हैं आर गुप्ता के जो प्रीवियस ईयर हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों के है ना बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो ठीक है ये मैं कब कब से बात कर रही हूँ दो से बातें कर रही हूँ ठीक ये आप ले सकते हो इसमें एक्सप्लेनेशन भी है और पुराने पेपर भी हैं और पाँच प्रैक्टिस सेट भी हैं ठीक है तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा इसके अलावा अगर हम बात करें एक किताब ये यानी एक प्रीवियस ईयर की दूसरी होती है सी डी पी की बुक क्योंकि सी डी पी जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं बेस है इस एग्जाम में तो सी डी पी की आप बुक ले लीजिए क्योंकि बुक में क्या होता है आपका टाइम कम लगता है अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो बुक से रिवीजन करना या अपने नोट्स से रिवीजन करना ईजी होता है बजाय कि आप पूरी वीडियो देखें दोबारा ठीक तो अगर मैं बात करूँ तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगलॉजी सी डी पी या बाल विकास की अगर हम बात करते हैं बाल विकास तीस नंबर का है और ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करता है तो इसके लिए आप बुक की अगर बात करते हैं या तो आप मेरी बुक ले, बुक ले सकते हैं है ना हालांकि अपडेट होने की इसको जरूरत है 2019 में आई थी बट सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है तो आप आराम से धड़ल्ले से ले सकते हैं और तीस नंबर आ भी जाएंगे आपके ठीक तो ये बहुत छोटी सी किताब लिखी है मतलब मैंने उस टाइम पर बहुत कंसाइज में लिखी थी कि बहुत सारी लंबी लंबी किताबें अवेलेबल हैं बट इंसान जब काम की चीजें पढ़ता है पेपर में तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ काम की चीजें पढ़नी है तो वो काम की चीजें पढ़नी है तो ये आपको नोट्स के फॉर्म में हेल्प करेगी ठीक इसके साथ प्रीवियस ईयर भी पेपर वन पेपर टू दोनों के इसमें इंक्लूडेड है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेगोलॉजी के ठीक है बात तो ये बात सी की आप अ, मेरी भी, भी बुक ले सकते हैं ये सी एंड एस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगोलॉजी विद हिमांशु सिंह या हिमांशु सिंह के नाम से ये अमेजोन पे या किसी भी दुकान पर आपको बाहर शॉप पे जो भी बुक शॉप होती हैं वहाँ मिल जाएगी ठीक इसके अलावा दूसरी चॉइस क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ अभी ये इंग्लिश में अवेलेबल है तो ये हिंदी मीडियम में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा ये जो मेरी बुक है ये ठीक अमेजान पे मिल जाएगी लिंक भी मैं दे दूंगी और किसी आसपास आप शॉप पे भी पता कर सकते हैं कुछ दो सौ ढाई सौ में भी मिल जाती है आजकल पहले थोड़ी सी महंगी थी है ना क्योंकि काफ़ी जो है ये आप लोगों ने पसंद भी की है इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की एक सी की बुक आती है ये भी मुझे ठीक लगती है आप बिल्कुल ले सकते हो ठीक पेपर वन पेपर टू सी इसमें भी प्रीवियस ईयर वगैरह भी गिवन है

दिशा पब्लिकेशन ले लीजिए या फिर मैं बात करूँ पियर्सन पब्लिकेशन ले लीजिए कोई भी पढ़ोगे हो जाएगा बट पढ़ना है अगर नहीं पढ़ोगे किसी को डिटेल पसंद है तो पियर्सन ले लो किसी को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है तो दिशा ले लो और शॉर्ट में पढ़ना है तो मैंने जो लिखा हुआ है वो टू द पॉइंट है बात ठीक हिंदी में पढ़ना है तो ये ले सकते हो या दिशा पब्लिकेशन की भी हिंदी में आती है तो ये चार पांच ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस की बात कर लेते हैं अगर बात ईवीएस की कर रहे हैं जो कि अपने आप में थर्टी मार्क्स का है है ना जिसमें से पंद्रह से बीस नंबर की तो आपकी थर्ड टू फिफ्थ की एन आ जाती है तो थर्ड टू फिफ्थ की एन के मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं जो टेलीग्राम पे शेयर्ड हैं पचास पेज के नोट्स हैं सिर्फ वो अच्छे से पढ़ लो थर्ड टू फिफ्थ किसकी ई की क्योंकि फर्स्ट सेकेंड में ई आता ही नहीं है मतलब होता नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में एन की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास की एन सी टी ई एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपको पढ़ लेनी है नहीं भी पढ़ी जा रही है तो सिर्फ वो पढ़ लो या फिर मैंने वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई बनाई हुई है वो आप सारी देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की प्ले है बट अभी इस ब, इस में हम बात बुक्स की कर रहे हैं क्योंकि बुक्स को लेकर आपको कन्फ्यूजन रहती है नहीं तो सबसे बेहतर तो है किसी को कुछ नहीं करना अगर मन है सिर्फ प्लेट उठाओ वीडियो देखो नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ प्रीवियस ईयर के प्रिंट आउट ले लो या फिर एक प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लो सबसे बेहतर तो वो है कि आप एक प्रीवियस ईयर खरीद लिया और दूसरा एक सी की कोई बुक ले ली इनफ अब आपको सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है नोट्स बनाने हैं या फिर कोर्स लिया तो कोर्स के नोट्स बनाने हैं थर्ड टू फिफ्थ एनसीआर ईवीएस पढ़ेंगे आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जो पचास पेज के नोट्स मैंने दिए हुए हैं वो देख लीजिए नहीं तो वीडियोस देख लीजिए मैंने की हुई हैं डिस्कस या जल्दी मैं दोबारा से ये शुरू करने वाली हूँ कल से शायद क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी सी को लेके ठीक तो ईवीएस में आप ये एनसीआर अगर ढंग से पढ़ लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है एनसीआर फ्री मिल जाती है ये अगर आप बात करें ऑनलाइन गूगल पे नहीं तो आसपास भी ये सस्ती मिलती है पचास साठ रुपए की एनसीआर की किताब आपको आराम से मिल जाती है ठीक किसी भी बुक सेलर से आप आसपास जाकर के ले सकते हैं थर्ड टू फिफ्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एन इसी की समरी से क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस में फिर भी आपका मन करेगा कुछ अलग से पढ़ना है तो ये एक विले नहीं नहीं नहीं, नहीं विले नहीं है मैग्रो हिल है मैग्रो हिल की बुक मुझे ठीक लगी और ये इन्होंने बहुत पहले भेजा था आई थिंक दो साल पहले या तो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं डिस्कस कर देती हूँ तो आप मैग्रोहिल ले सकते हैं मुझे लग रहा है पता नहीं ये वाली तो इधर उधर हो गई है कहीं ई वाली बट मैग्रो हिल की आती है वो ठीक है उसमें पैडोलॉजी प्लस जो भी आपका समरी है वो दी हुई है और इसके अलावा मैग्रोहिल ले सकते हो ई के लिए अगर एक्स्ट्रा किताब लेनी है नहीं तो एन पढ़ो और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाओ इनफ हो जाएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मैथ्स और कॉन्टेंट को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कई लोग तो कॉन्टेंट की अगर बुक ही पढ़नी है तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे नहीं तो ये भी थर्ड टू फिफ्थ प्लस प्रीवियस ईयर लगा लो पेडोगोलॉजी के लिए मैंने कुछ सेशंस बनाए हुए हैं कुछ वेबसाइट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी एक दो दिन में जो अनुराग सिंह थे लास्ट टाइम उन्होंने 143 स्कोर किया था 150 में से तो उन्होंने कुछ वेबसाइट शेयर की थी हमारे साथ पेडगोलॉजी के लिए मैथ्स की वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं मैंने उनका इंटरव्यू मतलब एक डिस्कशन किया था हम लोगों ने साथ में बैठ करके वहां से एक टैप इन टू टीन माइंड करके एक वेबसाइट है जहां पे, पे पेडोगोजी मिलती है एनसीएफ में जो पोजिशन पेपर हैं वो भी पढ़ सकते हैं आप पेडागोजी के लिए ठीक है बात तो अगर इसके लिए फिर भी एक बुक लेने का मन करे तो ये मैग्रो हिल ले सकते हो

तो आप ले सकते हैं किताबें मतलब टू द पॉइंट है पियर्सन थोड़ी डिटेल हो जाती डिटेल्ड हो जाती है मैग्रोहिल मैं ज्यादा रिकमेंड करूँगी अगर मुझसे पूछोगे क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने खींचा नहीं है टू द पॉइंट रखा है सिलेबस के हिसाब से रखा है नहीं तो आप एनसीआरटी प्लस प्रीवियस ईयर कर लीजिए अगर बुक लेने का मूड नहीं है तो ठीक पियर्सन की भी ले सकते हो वही अगेन थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाएगा और प्रीवियस ईयर कम मिलेंगे हिंदी की बात कर लेते हैं थर्टी मार्क्स में पेपर वन पेपर टू दोनों में आती है हिंदी पैटोगॉजी ये पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए मिल जाएगी मैग्रो हिल भी और ये भी पियर्सन भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हिंदी पेटॉगॉजी की बात कर लेते हैं हिंदी पैटोगॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र अब इसमें सबसे बड़े जो नंबर कटते हैं वो आपके कॉम्प्रिंशन यानी गद्यांश पद्यांश में कटते हैं तो उन गद्यांश पद्यांश के लिए आप प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल करें क्योंकि एक प्रीवियस ईयर लेना आपका जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर का इस्तेमाल करें चाहे वो आपने आरगुप्ता लिया हो किरण लिया हो कोई भी लिया हो उन्हीं को प्रैक्टिस करें गद्यांश पद्यांश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो पैसेज है क्योंकि पंद्रह नंबर हिंदी में कटेंगे और पंद्रह कटेंगे इंग्लिश में अगर आपने ठीक से पैसेज की प्रैक्टिस नहीं की अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट वहीं जाके पैसेज देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको फिर आपकी गलतियां ज्यादा होंगी क्योंकि अगर आपने एटलीस्ट पांच साल के प्रीवियस ईयर के पैसेज सॉल्व करे होंगे ना सी के आपको पता लग जाएगा सीटेट किस भाषा में पैसेज देता है आपको कोई नए पैसेज नहीं करने कहीं और से पैसेज वैसे भी कभी रिपीट नहीं होते ठीक तो उस बात से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ पैसेज में क्योंकि उसका जो पैटर्न है जो भाषा है एग्जाम की वो वैसी ही रहेगी पैसेज चेंज होने के बाद भी वो आपको लैंग्वेज समझ आएगी उसकी कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे ठीक है तो पैसेज का तो सॉल्यूशन यही है कि आप प्रीवियस ईयर से पैसेज लगाओ इसके अलावा रही बात की तो मैंने कुछ वीडियो की एक प्लेलिस्ट है हिंदी की वो देख सकते हो टॉपिक वाइज आठ दस टॉपिक होते हैं क्लियर हो जाएगा बस प्रीवियस ईयर साथ में लगाना है हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रीवियस ईयर जरूर लगाना है चाहे वो किताब लो आप प्रीवियस ईयर की चाहे फिर आप जैसे भी चाहो कर लो मैग्रो हिल की भी अच्छी बुक है हिंदी की अगर मैं बात करूं हिंदी पैटेगोजी प्लस शिक्षण शास्त्र जो भी सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैग्रो हिल अगेन आप ले सकते हो मैग्रो हिल की आप सीटेट की कोई भी किताब उठा लो मुझे पसंद आई मतलब पर्सनली एक तो टू द पॉइंट है दूसरा कुछ भी नहीं उठा के दे दिया तो अब कई लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मैकग्रोहिल ने तो मतलब स्पॉन्सरशिप दी ही, ही होगी बट ऐसा नहीं है मतलब हालांकि उनसे बात होती है बट इनमें से कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जिसके बारे में मैंने किसी से डिस्कशन भी किया हो ये अभी मेरा मूड बना के इस पर डिस्कशन करना है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ ठीक तो ये एक बात है मैकग्रोहिल ले सकते हो इसके लिए साथ में और प्रीवियस ईयर दैट्स इट नहीं भी करना तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया प्रीवियस ईयर जो वीडियोस हैं या मैं अभी आगे भी डिस्कस करूंगी वीडियोस में हिंदी पैडोगॉजी आप देख सकते हैं यही मैग्रोहिल वाली ही लगाई हुई है मैंने बुक हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र ठीक इंग्लिश पैटागोजी की अगर बात करें अगेन या तो आप पोजिशन पेपर पढ़ लीजिए प्रीवियस ईयर लगा लीजिए और साथ में मैंने जो प्ले बनाई हुई है वो देख लीजिए नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा ताकि चीजें याद रहें अगर बुक पढ़ रहे हैं और हाथ से नोट्स नहीं बनाने तो हाईलाइटर लेकर हाईलाइट कर लीजिएगा मेन मेन पॉइंट्स ताकि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो देखो की है एक चीज जो है रिविजन अगर आपने पढ़ पढ़ के सब कुछ छोड़ दिया आपने वीडियो भी देख ली आपने क्या किया बुक भी पढ़ ली आपने नोट्स भी बना लिया और खोल करके कि किसी को नहीं देखा अगर रिविजन नहीं हुआ तो कुछ भी दिमाग में नहीं टिकेगा जितने नंबर आपके आ सकते थे हो सकता है आप पास हो जाए गलती से बट स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा अगर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा तो इसलिए हम वीडियोस में भी अभी फिर से शुरू करने वाले हैं सीटेट की तैयारी ठीक इंग्लिश पैटाबाजी अगेन पंद्रह नंबर का पैसेज प्रीवियस ईयर से करना है पैसेज सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से पांच साल के पैसेज डिस्कस कर लो पांच साल में दस पैसेज आ गए होंगे क्योंकि एक साल में दो पैसेज आते हैं ठीक पैसेज की आपको करनी है प्रैक्टिस ठीक प्लस प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं क्योंकि आपके पंद्रह नंबर हिंदी में और पंद्रह इंग्लिश में तीस नंबर कट जाते हैं पैसेज में स्कोर नहीं कर पाते कई लोग क्यों क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते पैसेज की पैसेज उन्हें लगता है वहां जाके देख लेंगे हो जाएगा अपने आप लाइक शेयर like करते रहो आज तो हम कई दिन बाद मिले हैं अब कल से प्रॉपर तैयारी शुरू हो जाएगी मैं किसी काम में बिजी थी और आज हमें पाँच साल भी हो गए लेट्स लर्न को तो ये अपने आप में हाफ डेकेड वाली बात है मैंने इस बार आप लोगों के लिए हमेशा सरप्राइजेज आते रहे हैं तो इस बार कुछ स्पेशल बुक किया है तो आपको जल्दी ही एक ब्लॉग में देखने को मिलेगा काफी बड़ा सरप्राइज है है ना ये ग्रोथ है पिछले पांच सालों की तो कुछ दिन आप रुक जाइए देखने को मिलेगा आपको ठीक खैर इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडोगोजी ये मैग्रो हिल की आप ले सकते हो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आराम से आप स्कोर कर जाओगे बात रही अब SST की जो आती है पेपर टू में ये पेपर वन की कहानी खत्म हो चुकी है और सी डी पी डिस्क कर चुकी अब सिर्फ दो सब्जेक्ट बचते हैं एस एस टी एस एस टी के लिए सिर्फ एनसीआर टी पढ़ो सिक्स तो टू एथ की है ना आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद भी सिक्स तो टू एट्थ की इसी टाइम के अराउंड मैंने पहली वीडियो डाली होगी चार अक्टूबर दो हजार सोलह को खैर देखो और वो आइडिया भी उससे दो घंटे पहले आया था मतलब हो एन सी हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी आप एनसीआर ही पढ़ें और साथ में प्रीवियस ईयर लगाएं नहीं तो पीएरसन या मैग्रोहिल की भी आती होंगी जो कॉम्प्रीहेंसिव बुक आती है बट मैं चाहूंगी कि आप एनसीआर पढ़ें प्लस पीवाई क्यूज लगाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले पांच साल के कर लो जरूर नहीं आप दस तक जाओगे क्योंकि पैटर्न 2013-14 के बाद चेंज हुआ है मतलब हल्का सा लैंग्वेज मतलब जो है क्वेश्चन की पूछने का जो लहजा है वो चेंज हुआ है सिलेबस तो चेंज किया ही हुआ है सीटेट का अगर हम बात करें साइंस और मैथ्स की तो अगेन एन सी आर टी पढ़िए सिक्स टू एट्थ क्लास की पेपर टू में सिक्स टू एट्थ की पढ़नी होती है और अगर हम बात करें पेपर वन की तो फर्स्ट टू फिफ्थ प्लस प्रीवियस ईयर नहीं तो पी की कोई किताब ले सकते हो जिसमें ये डिटेल्ड गिवन हो ये बात तो बुक्स की बात यही थी अगर मिनिमम किताब लेके चलना है देखो बुक्स तब लीजिएगा अगर इतना ही शौक है तो जब आप पढ़ पाओ अगर नहीं पढ़ पाओ और लगे कि घर में सजाने के लिए लिए तो मत लीजिएगा क्योंकि कोई फायदा फिर होगा नहीं बेकार में आप वेस्टेज क्रिएट करेंगे पेपर की भी पैसे की भी और टाइम की भी अपने है ना अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर ले लो आर गुप्ता ले लो या किरण ले लो कोई भी ले लो लिंक में दे दूंगी पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए एक एक प्रीवियस ईयर ले लो और एक सीडीपी की बुक ले लो इनफ है दो चीजें ले लोगे अगर और अगर सारी ले रही हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है अब बात रही कि हम तैयारी कब से शुरू करेंगे तैयारी की शुरुआत हमारी हो चुकी है सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी अब हम कल से क्लासेस भी शुरू कर देंगे मैं जल्दी एक टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर कर दूंगी रात को एक एक नाइन थर्टी तो सेशन होना ही है आपके साथ साढ़े नौ बजे तो रात को अब हम मिलेंगे ही मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे और कभी कभी हम दो बार मिलेंगे दिन में कभी कभी हम वैसे डेली तो हम एक बार तो मिलेंगे ही नाइन ठीक है चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और आ, संस्कृत की अग्रवाल एग्जाम काट के आती है संस्कृत के लिए बुक कई लोग पूछ रहे हैं वो ले सकते हैं कोई और आपके पास क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा अभी सीटेट की वेबसाइट पे और मॉक टेस्ट आएंगे वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा वो भी इंपॉर्टेंट है मीटअप भी जल्दी करेंगे है ना मीटअप भी करेंगे ये अभी पाँच साल की खुशी में कर लेंगे मीटअप जल्दी एक छोटा सा मीटअप डेली मीटअप करेंगे चलिए जिन लोगों ने आठ हजार चार सौ अस्सी लोग हम देख रहे हैं नौ हजार लोगों से तो लाइक शेयर किया करो आकर के देख करके पॉजिटिव एनर्जी से तैयारी शुरू कर देंगे टेंशन मतलब टाइम है उतना अभी आप अपना होमवर्क करो इतने कल मिलते हैं और अब डेली नाइन थर्टी तो मिल ही रहे हैं ऑल द बेस्ट कोई और क्वेरी रह गई हो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मतलब अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से मिल कर के टेक केयर ध्यान रखिए अपना बेहतर करें आप लाइफ में पांच साल हो गए आज लेट्स लर्न को और ये एक प्योर इंटेंशन थी और आप लोगों का एक अच्छा सपोर्ट था और एक वो दुआएं होती हैं कुछ उन चीज़ों ने काम किया नहीं तो मैंने हॉबी की तरह ही इसको शुरू किया था अभी भी चीज़ें चल रही हैं अच्छे से बट एक वो दिशा कई बार आप शुरू कैसे करते हैं कहाँ पहुँचते हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है बाकी ईश्वर संभाल लेंगे है, है ना चलो टेक केयर ध्यान रखो